हेलो पेरेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर टाइम लेकर आई हूँ। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों को सबसे पहले टाइम के बारे में बताएंगे, तो उसमें हम सबसे पहले मंथ्स नेम सिखाते हैं। तो बच्चों को सबसे पहले आप ये बताइए कि मंथ्स होते कितने हैं। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। यहाँ पे मैंने मंथ्स नेम लिखे हैं और यहाँ पर डेज नेम लिखे हैं। तो उसमें पहले बच्चों को मंथ्स नेम की स्पेलिंग सिखाइए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। उसके बाद उनके डेज बताइएगा। जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31, फेब 28 और 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सेप्टेम्बर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। उसके बाद आता है थिंग्स टू रिमेम्बर। हमें बच्चों को कौन कौन सी चीज़ें हैं जो याद करानी है। सबसे पहला आता है इसमें अ ईयर हैज 365 डेज। एक साल में 365 डेज होते हैं। इन अ लीप ईयर फेब हैज 29 डेज। लीप ईयर में 29 डेज होते हैं फेब में। देयरफॉर अ लीप ईयर हैज 366 डेज और उस साल 366 डेज होते हैं। द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी। द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज दिसंबर। देयर आर 7 मंथ्स हैविंग 31 डेज। साल में 7 मंथ होते हैं जिसमें 31 डेज होते हैं और 4 मंथ 30 डेज के होते हैं। देयर आर 52 वीक्स इन अ ईयर। उसके बाद आता है डेज। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। 7 डेज होते हैं। बच्चों को इस तरीके से भी लर्न कराइए कि संडे फर्स्ट होता है, मंडे सेकेंड, ट्यूसडे थर्ड, वेडनेसडे फोर्थ, थर्सडे फिफ्थ, फ्राइडे सिक्स, सैटरडे सेवन्थ। उसके बाद आता है क्लॉक। अब हम बात करते हैं टाइम की। जो बच्चों को फर्स्ट क्लास में टाइम देखना बहुत ज़रूरी है, मतलब उनको टाइम देखना आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्लॉक बनाई है, तो सबसे पहले आप बच्चों को नीडल्स के बारे में समझाइए कि इसमें जो क्लॉक्स होती हैं, जो इनके जो हैंड होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और क्या शो करते हैं। तो सबसे पहले आप बच्चों को बताइए कि देयर आर 3 हैंड्स इन अ क्लॉक। लॉन्ग हैंड, लॉन्ग हैंड कौन सा है इसमें? ये वाला। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग हैंड। और ये क्या शो करता है? मिनट। उसके बाद आता है शॉर्ट हैंड, जो हमारा क्या शो करता है? आवर्स। और जो सबसे पतला वाला जो हैंड होता है, थिनेस्ट हैंड बोलते हैं उसको, वो हमारा सेकंड शो करता है। तो बच्चों को सबसे पहले इन नीडल्स के बारे में, इन हैंड्स के बारे में बताइए। उसके बाद बच्चों को टाइम देखना ज़रूर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स बनाई हैं क्लॉक की, तो यहाँ पे मैंने हैंड्स इसमें शो किए हुए हैं। तो बच्चों को पहले आपको ये बताना है, जैसे ये लॉन्ग हैंड है और ये शॉर्ट हैंड है। तो शॉर्ट हैंड क्या बताता है? आवर्स बताता है। तो यहाँ से बच्चे पहले काउंट करेगा, 1, 2, 3, 4। तो कितना हो गया? 12 पर जब सुई होगी तो क्या कितना होगा? 4 o'clock। तो इस तरीके से बच्चों को ये टाइम देखना आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 o'clock। तो पहले आपको 12 पर ही इसको, निडल को या हैंड को बोल सकते हैं, इसको 12 पर ही रखकर आपको टाइम लर्न कराना है उनको कि किस तरीके से टाइम डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 पर आ गया फिर हैंड, शॉर्ट हैंड, तो कितना बच गया? 2 o'clock। उसके बाद 5 पर हैंड आ गया, शॉर्ट हैंड, तो कितना बच गया? 5 o'clock। तो इस तरीके से क्लॉक्स बनाकर आप अलग अलग टाइम्स बच्चों को बता सकते हैं। उसके बाद आता है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, टाइम लिखा हुआ है। बच्चों को क्या बनानी है? इसमें हैंड्स बनाने हैं। तो हैंड कैसे बनाएंगे? यहाँ पर 8 o'clock लिखा है मैंने, तो इधर की तरफ क्या बनेगा? तो ये बच्चों को आपको बताना पड़ेगा कि जो आवर वाला होता है वो शॉर्ट हैंड होता है और
जो मिनट वाला होता है वो लॉन्ग हैंड होता है। इस तरीके से 8 o'clock हो जाएगा। उसके बाद आता है 10 o'clock, तो यहाँ पर टेन इस तरीके से 10 o'clock हो गया। फिर 3 o'clock, उसके बाद आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे मैंने जो अभी कुछ बातें बताई थी उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस लिखे हैं। जैसे हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर, कितने डेज होते हैं लीप ईयर में? 366 डेज। विच मंथ कम्स आफ्टर अगस्त, अगस्त के बाद कौन सा मंथ आता है? सेप्टेम्बर। सिक्स्थ डे ऑफ द वीक इज, सिक्स्थ डे कौन सा बताया था मैंने अभी बताया था यहाँ पर जब मैंने नोट कराए थे, सिक्स्थ डे कौन सा बताया था? फ्राइडे। तो बच्चों को इस तरीके से आप लर्न कराइए फ्राइडे। टुडे इज मंडे, यस्टरडे वाज, अगर आज मंडे है तो कल क्या था? संडे। देयर आर डैश डेज इन अ वीक, 7। स्कूल रिमेन क्लोज्ड ऑन, स्कूल कब बंद रहता है? ऑन संडे। नेक्स्ट आता है हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ जुलाई, कितने डेज होते हैं जुलाई में? 31 डेज। नेक्स्ट विच मंथ कम्स आफ्टर, सॉरी बिफोर अक्टूबर, अक्टूबर से पहले कौन सा मंथ आता है? सेप्टेम्बर। डैश कम्स बिफोर सैटरडे, सैटरडे से पहले क्या आता है? फ्राइडे। विच इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, सबसे लास्ट मंथ कौन सा होता है साल का? दिसंबर। तो इस तरीके से आप बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स करा सकते हैं। बच्चों को इस तरीके से आप टाइम देखना सिखा सकते हैं कि किस तरीके से हम टाइम को आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरीके से हम हैंड्स को शो करते हैं, ये सब आप इसमें बता सकते हैं। और इसके क्वेश्चन आंसर्स इससे रिलेटेड आप बच्चों को लर्न करा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।